गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर थिले अबाउट द डेवलपमेंट एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो मैं तुमको कही थी दी टाइप तुम एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गोटे डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो और तुम कौन मोनोकोटिलेडन एम्ब्रियो। तो हमें डाइकोटिलेडन स्टार्ट करिया। तो स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को कौन बुझे पहले एम्ब्रियो जेनी फर्स्ट ऑफ तुम्हारा कौन डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो। तो डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो केमिति तुम फॉर्मेशन हो छि पहले देखो द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट अंबा कौन छि जाइगोट। तो जाइगोट रु तुम कौन डेवलप हो एम्ब्रियो मुझे कही तुमको आगे देन आम पाखे अच्छे कौन पीईएन जहाँ कौन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से डेवलप हो तुम कौन एंडोस्पर्म। ए एम्ब्रियो तुम फर्दर डेवलप तुम कौन ऑर्गेनिज्म तुम जो एंडोस्पर्म रोज एंडोस्पर्म इज योर न्यूट्रिटिव टिश्यू। एंडोस्पर्म कौन कर एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके बुझा पड़ला। तो आम डिस्कस करेंगे जाइगोट टू एम्ब्रियो किमिति डेवलप हो फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इट्स ट्रांसवर्स फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज ट्रांसवर्स। ओके तो जितने फर्स्ट डिवीजन हो जाइगोट नो इट प्रोड्यूसेस ए बेसल सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड एन एपिकल सेल टुवर्ड्स द चलाचल। तो दुटा सेल प्रोड्यूस हो डिवीजन हला परे इट प्रोड्यूसेस ए बेसल सेल टुवर्ड्स कोडे माइक्रोपाइल एंड टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड ए एपिकल सेल टुवर्ड्स चलाचल एंड। तो फर्स्ट डिवीजन में तीन सेल प्रोड्यूस होला गोटे तुम कौन बेसल सेल और तुम कौन एपिकल सेल। ओके क्लियर बुझला। तुम जो बेसल सेल अच्छी ए बेसल सेल तुम कौन हम बोले बेसल सेल डिवाइड हो डिवाइड्स by transverse wall okay ab tumar jo apical cell achi ye divide ho divides by longitudinal wall ए दीटा कौन को तो मन रखियो बेसल सेल डिवाइड अप ट्रांसवर्स वॉल द्वारा लॉन्गिट्यूडिनल लिम और एपिकल सेल डिवाइड अप बाय लॉन्गिट्यूडिनल वॉल द्वारा। तो एडु तमरो कोन हला दीटा सेल एडु अउतर भारी कतरा दीटा सेल टोटल कतरा हला 10 दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कौन टी शेप्ड फोर सेल द फोर सेल टी शेप्ड प्रो एम्ब्रियो फॉर्मेशन ऑफ फोर सेल्ड टी शेप्ड प्रो एम्ब्रियो। आपको हम कौन कहते प्रो एम्ब्रियो देखो पे
करुच्ची भलसे टे बुझ आम पाखे अच्छे पे जैगोट जैगोट फास्ट डिजन हो दीटा सेल प्रड्यूस हो गोटा को कहले बेसाल सेल आउटा को कहले एपिकल सेल ओके एबे बेसाल सेल रो आउटर डिवीजन हबो एई दुटा सेल प्रड्यूस हबो एपिकल सेल रो आउटर डिवीजन हबो एई दुटा सेल फॉर्मेशन हबो तो बेसाल सेल रो दीटा एपिकल सेल रो दीटा टोटल केतला चारटा तो ए जो फोर सेल टी सेल जो हम कोन दोचे प्रो एम्ब्रियो बुझा पड़ले ए पर्यंत क्लियरली बुझेगा सिकंद तो आम पाखे अच्छी कौन फोर सेल टी सेल प्रो एम्ब्रियो फोर सेल टी सेल प्रो एम्ब्रियो अच्छी क्लियर तो ये प्रो एम्ब्रियो रु किमिति तमरो फर्दर डेवलपमेंट होछ हला गोटोडा पॉइंट डिस्कशन करबा देखो बेसल सेल आउ छ कोन एपिकल सेल क्लियर बेसल सेल रे तमरो केतरा सेल प्रोड्यूस हिची दीटा सेल कोन ने एपिकल सेल रु तमरो कोन हिची प्रोड्यूस दीटा सेल क्लियर ताको नहीं तुम रहले कौन फोर सेल टी सेल एम्ब्रियो वाला तमर जो बेसल सेल अछि आर फर्दर डिवीजन होबो टू प्रोड्यूस ए 6 टू 10 सेल लॉन्ग सस्पेंशन 6 टू 10 सेल लॉन्ग सस्पेंशन फर्दर डिवाइड ओके सिमिलरली एपिकल सेल अछि द टू सेल फॉर्म्ड बाय द एपिकल सेल डिवाइड फर्दर टू प्रोड्यूस ए फोर सेल क्वाड्रेंट एंड ऑल फोर सेल ऑफ द क्वाड्रेंट डिवाइड टू प्रोड्यूस ए एट सेल एम्ब्रियो फोर सेल क्वाड्रेंट देन एट तुम्हारा फर्दर डिवाइड फर्दर डिवाइड ये होता है तुम्हारा फर्दर डिवाइड एट सेल एम्ब्रियो तुम्हें तो कंफ्यूजन है दरकार नहीं डिवीजन का नाम मन रखिया दरकार नहीं केवल कोड केतरा होछ देखो बेसल सेल दीटा सेल अछि फर्दर डिवाइड ही तो 2 6 के मा 6 रु 10 जाय कोड सस्पेंशन देयर हो सिम दे एपिकल सेल केतरा अछि दीटा अछि तो एडु दीटा सेल हला आर फर्दर डिवाइड ना 2 रु 4 हला 4 रु फर्दर डिवाइड तो कोन हला 8 आ तो हम कहूचे 8 सेल एम्ब्रियो बुझिला बा को हमें ऑक्टांट भी कोई भरजो कोन कोइबा ऑक्टांट 8 सेल एम्ब्रियो और ऑक्टेंट गोटे सेकंड मिले तुम कौन हम ना फर्दर डिवीजन है कि 8 रु तुम कौन हम ना फर्दर डिवीजन है कि 16 सेल एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो ऑक्टेंट रु 16 सेल एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो आपको हमें कौन से कौन मिले ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कौन कौन से ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो 8 डिवाइड बाय 16 सेल तक हमें कौन कौन से ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो क्लियर बुझिला
देन तमरो ए ग्लोब्युलर एम्ब्रियो ग्रेजुअली बिकम्स हार्ट शेप्ड ग्लोब्युलर एम्ब्रियो ग्रेजुअली बिकम्स हार्ट शेप्ड बुझिला दिस इज द फाइनल स्टेप क्लियर तो केमती होउची फोर सेल रहला रो एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो तमरो बेसल सेल एपिकल सेल आसिला देन 6 टू 10 टा सेल रो सस्पेंशन देन फोर सेल क्वाड्रेंट देन 8 सेल एम्ब्रियो ऑप्टेंट देन 16 सेल एम्ब्रियो ग्लोबुलर एम्ब्रियो देन तमरो हार्ट शेप एम्ब्रियो क्लियर दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ तमरो कोन एम्ब्रियो ऑफ डाइकोट्रिडन क्लियर ये बुझा पड़ला ना बुझिला नहीं बुझिला ना नहीं रेस्पोंड करो रे अरे बुझिला ना नहीं हो हार्ट से प्रेम रियो क्लियर ये जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो अच्छी मिले द मैच्योर एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एक्सिस बियरिंग टू कॉटिलेडन देखो मैच्योर एम्ब्रियो एम्ब्रियो पाखरे हैव एन एक्सिस एंड टू कॉटिलेडन क्लियर एबे जो एक्सिस जब हम कहो छे पहले एम्ब्रियोनल एक्सिस कोन कहो छे एम्ब्रियोनल एक्सिस एक्सिस रो अपर पार्ट रे जड़ा रहिला ताको हम कोन कहो छे पहले अपर पार्ट रो रीजन को हम कहो छे एपिकोटाइल कोन कहो छे एपिकोटाइल द टिप ऑफ द एक्सिस अबव द कॉटिलेडन इट रिप्रेजेंट्स द प्लम्यूल बिलो द हम कहो छे हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल बिलो द हम कहो छे हाइपोकोटाइल ओके ये रिप्रेजेंट कर छी प्लम्यूल ये रिप्रेजेंट कर छी रेडिकल दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो ओके एबे जीवा मोनोकोटिलेडन नंबर टू इज योर मोनो कॉटिलेडन एम्ब्रियो ओके तो मोनो कॉटिलेडन एम्ब्रियो कौन हो ची द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज ए सिंगल कॉटिलेडन देयरफॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोनो कॉटिलेडन एम्ब्रियो इज डिफरेंट ऑफ दैट डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो एटी तमरो कौन हो ची पिले जो एम्ब्रियोनल एक्सिस ऊपर तमरो कौन रुक डाइकोट रे दीटा कॉटिलेडन थिला एड तमरो कौन हो सिंगल कॉटिलेडन एपिकोटाइल कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉटिलेडन देयरफॉर डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोटिलेडन एम्ब्रियो इज डिफरेंट फ्रॉम डाइकोटिलेडन ओके तो कौन डिफरेंट वी विल डिस्कस तो एडी भी हमरो कोन अछि पिले जाइगोट अछि
बिकॉज़ जायगोट बा तमा फर्दर डेवलपमेंट सो स्टार्ट हो कोना नहीं द जायगोट इन मोनोकोटिलेडन डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इनटू अ बेसल सेल एंड एन एपिकल सेल एड भी सेम हैला ट्रांसवर्स डिवीजन हैला काउ काउ बेसल सेल आउट तमा कोन एपिकल सेल ओके बुझिला एबे बेसल सेल तमा डिवाइड हो इनटू टू सेल बेसल सेल तमा कोन हो फर्दर डिवाइड हो दीटा सेल को हला मो एड दीटा सेल रो नाम दे दउ छी सी आई एंड एम एल हला सी आई एंड एम ए सी आई तमरो कोन हो फर्दर डिवाइड हो इनटू अगेन दीटा सेल एन एन प्राइम दे दबा को एन एन प्राइम दीटा सेल को डिवाइड हला देन द सेल ए जो एन प्राइम होची एडा होची आउटरमोस्ट सेल ये डेवलप करिवो सस्पेंसर आउ एंड डेवलप करिवो रूट कैप ओके आउ जो एम रहूची ये कौन करिवो डिवाइड है कि कंट्रीब्यूट करिवो टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ रेडिकल ओके बुझिला बेसल सेल काम सरला एबे स्टार्ट करबे कार एपिकल सेल रो एपिकल सेल ओके एपिकल सेल कोन हो ना एपिकल सेल डिवाइड्स बाय टू वर्टिकल वॉल एंड राइट एंगल दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेंट सेम डिवाइड्स फॉर्मेशन ऑफ कोन क्वाड्रेंट ओके ए क्वाड्रेंट तमरो कोन हो फर्दर डिवाइड पेरिफेरली इनटू पेरिफेरल सेल एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल रिपीटेड डिवीजन इन बोथ पेरिफेरल एंड सेंट्रल ग्रुप ऑफ सेल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू रीजन तो ये फर्दर डिवाइड ही थी प्रोड्यूस करियो कोन स्कॉटेलम ग्रास फैमिली रे कॉटेलम को स्कॉटेलम मिली पूछे स्कॉटेलम बा और कॉलियोप्टाइ ओके द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ स्कॉटेलम फॉर्मेशन करबो कोन रेडिकल दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोटिलेडन एम्ब्रियो तो बुझिले पिले डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो कोन मोनोकोटिलेडन एम्ब्रियो कोन क्ले ए पार्ट रु तमरो एंती किछ नै जे एग्जैक्ट ए टाइप रो लिखियार अछि इट्स जस्ट ए हायर इन्फॉर्मेशन तमको जतरो आगु को अधिक इन्फॉर्मेशन दरकार हो सेने तम सब इन्फॉर्मेशन दे दी छि बट एम्ब्रियो तो तमरो शॉर्ट नोट पछारिबो इते डिटेल लिखि आवश्यकता नै जायगोट पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होउछि हार्ट शेप्ड ग्लोबुलर शेप्ड चारि पांचटा पॉइंट लिखितले इट्स एनफ फॉर 2 मार्क्स ओके दिस इज ऑल अबाउट योर एंडोस्पोर सॉरी एम्ब्रियो मैक्सिमम प्ले एंडोस्पोर एंडोस्पोर देखो बिल्ली एंडोस्पोर इज
द न्यूट्रिटिव टिश्यू फर्स्ट पॉइंट इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो ओके तो एंडोस्पर्म आम पाखे अच्छी कौन पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से फॉर्मेशन होमर कौन एंडोस्पर्म तो एंडोस्पर्म इज ऑलवेज ट्रिप्लॉइड दैट इज 3N बिकॉज तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियोइड फ्यूजन हो In angiosperm, the endosperm is generally triploid. Okay? The types of endosperm are called the type of endosperm. What is nuclear endosperm? How do we call cellular endosperm? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और हम लोग बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कौन ना इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स फ्रीली इनटू लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्ली विदाउट एनी सेलुलर परमिशन इट कौन हो पिले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स फ्रीली into number of nuclei without cell wall formation aro minimum hoje kon bile eite kebal tumaro karyokinesis hobo means nuclear endosperm ro nucleus ro ga division hobo suppose for example dekho eta ada nuclear endosperm ए भीतर तुम कौन हम ना नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द फॉर्मेशन हो एडे कोटा वाल अछि कि तो ए जगह कौन कहबा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दैट मींस ओनली न्यूक्लियस रो डिवीजन ओनली न्यूक्लियर डिवीजन नो साइटोकाइनेसिस ओके बट सेलुलर एंडोस्पर्म में कौन होगा पहले कैरियोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस बुझला सेलुलर एंडोस्पर्म कौन इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डिवीजन ऑफ पीईएन is into immediately followed by the wall formation the first division result in the formation of the equal size chamber then the further 2 4 4 wall in the third one is your fallopian endosperm please read this carefully सॉरी वो दी टाइप ऑफ इसमें तीन टाइप ऑफ स्किप कर दिए 1 2 3 न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड द थर्ड वन इज योर हेलोबियल एंडोस्पर्म एडे ओनली कैरियोकाइनेसिस एडे बोथ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस हेलोबियल में कौन होउछि एनीवन के कोई परबो की दिस इज ए इंटरमीडिएट दिस इज ए इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर
एंडोस्पर्म. दिस इज ए इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर मेम्ब्रेन. दिस डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन एंड एज ए रिजल्ट ओके बुझा पड़ला पहले क्लियरली. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कौन सेल्युलर एंडोस्पर्म कौन हेलोबियल एंडोस्पर्म कौन क्लियरली बुझला. तो नेक्स्ट क्लास रे हम डिस्कस करबे पहले अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ तमरो सीड. सीड केमिति फॉर्मेशन होउची फ्रूट केमिति फॉर्मेशन होउची आ केते गुडी स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होउची. क्लियर. आ गुटे क्लास रे तमरो फर्स्ट चैप्टर दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट कंप्लीट हो जियो. हला ओके टिल देन बाय बाय.